होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार धमाकेदार बॉम्बास्टिक सा वीडियो। अब आप लोग भी ये चीज जानते ही हैं कि समर सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है और समर में पड़ती है जी बहुत ज्यादा गर्मी जो कि हमारे बर्दाश्त से बाहर होती है। और इन दिनों में ना सूरज की शुआएं भी इतनी तेज होती है कि हमारी स्किन को इजीली बर्न कर सकती हैं। और ये मसला बहुत ज्यादा होता है गर्मी में कि हमारी स्किन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, डार्क लगने लगती है जगह जगह से। इन दिनों में हमें ऐसी चीज चाहिए होती है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे और सूरज की शुआओं से जो है वो बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। और ये सब अगर हमारे दिमाग में आता ना तो फिर बस एक ही चीज याद आती है, वो होती है हमारी सनस्क्रीन। जी हाँ, सनस्क्रीन जो हमारी लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है सूरज की तेज शुआओं से। और गर्मियों में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रोडक्ट होती है सनस्क्रीन। और आज तकरीबन मेरे पास 4 सनस्क्रीन है डिफरेंट ब्रांड्स की। और ये है जी मेरे पास सईद घनी एंड रिवाज, स्टारपैक्स एंड नेस्टली। अब ये चारों के चारों सनस्क्रीन जो है ना वो एकदम बेस्ट है, यानी एक ब्रांड के लिहाज से भी और कवरेज एंड बाकी प्रोडक्ट के लिहाज से भी एकदम बेस्ट है। लेकिन मैं 4 सनस्क्रीन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर आपको बिफोर मेकअप सनस्क्रीन चाहिए जो आप अप्लाई करो भी तो आपको एकदम फेयर सा लुक ना मिले, जैसे अक्सर होता है हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है जैसे हमने फेयर एंड लवली अप्लाई कर ली हो, ऐसा लुक आने लगता है। लेकिन हमें कोई अगर ऐसी सनस्क्रीन चाहिए जो हम बिफोर मेकअप यूज कर सके क्योंकि मेकअप के बाद ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ज्यादा और व्हाइट हो जाती है, तो अगर हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए सनस्क्रीन जो हम मेकअप से पहले अप्लाई करें वो हमें प्रोटेक्ट तो करे लेकिन हमारी स्किन पर एकदम फेयर सा लुक ना प्रोवाइड करे, तो उसके लिए जो हम सनस्क्रीन यूज करेंगे वो एस्टलेन की सनस्क्रीन जो कि SPF 80 PA++++ है। और ये आपको ना एकदम इनविजिबल फिनिशिंग देगी, स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद देगी और इसके अलावा यूवी या यूवीबी की लाइट से जो है ना आपको प्रोटेक्ट करेगी। एस्टलेन सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लाइट वेट है, यानी लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने फेस पर कुछ अप्लाई किया है। इसके अलावा ऑयल फ्री है, यानी आप इसको लगा के 2-4 घंटे जो है वो इजिली रह सकते हो, पूरा दिन भी रह सकते हो, आपके फेस पर किसी भी टाइप का ऑयल नहीं आएगा। वाटर रेजिस्टेंट है, यानी अगर बारिश हो जाती है या आप फेस वॉश करते भी हो ना तो ये इजिली रिमूव नहीं होगी। इनविजिबल फिनिश जैसा कि बताया था एंड नॉन व्हाइट कास्ट, यानी कि आपको बिल्कुल भी आटे जैसा लुक नहीं देगी, आपकी स्किन जो है ना वैसा ही कलर रहेगा जैसा आपका है, जस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी यूवी या यूवीबी की लाइट से। और जैसा कि हमें पता है कि हमें जो है ना सनस्क्रीन को 15-20 मिनट पहले सूरज के सामने जाने से पहले जो है वो अप्लाई करना होता है ताकि हमारी स्किन को इजिली प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इसको अपना असर दिखाने में भी टाइम लगता है, इसलिए 15 मिनट पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो जाने से पहले सूरज के सामने। लेकिन आपको अगर स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करो ना तो उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। सेकंड गाइस, आई हैव स्टारप्लेक्स सनस्क्रीन। अब ये जस्ट क्रीम नहीं है बल्कि एक मॉइस्चराइजर भी है और ये वाटर प्रूफ भी है। अब जैसे अक्सर हमारे साथ होता है ना, बारिश हो जाए या पसीना आ जाए तो हमारी सनस्क्रीन जो है ना वो ऐसे हो जाती है जैसे हमने बेस अप्लाई की थी और बिल्कुल कटी फटी हो जाती है, ये बिल्कुल भी वैसा लुक नहीं देगी। ये है जी SPF UV 50+, SPF PA++++, UVB प्लस, UVA+, और इससे आप 20 मिनट्स बिफोर सन अप्लाई कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स बताऊं तो प्रिवेंट एजिंग, प्रिवेंट सनबर्न्स, आइडियल सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप, अल्टीमेट स्किन ब्राइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेस, फ्री फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज, एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी। दिस क्वालिटी थिन एंड डेलिकेट, प्रोटेक्ट यूवी डैमेज टू द स्किन, नॉट ग्रेसी, नॉट स्टफी एक्नी, मॉइस्चराइजिंग एंड लुब्रिकेटिंग। यूजेज आफ्टर बेसिक स्किन केयर, अप्लाई अप्रोप्रिएट अमाउंट टू फेस एंड नेक स्किन इवनली। All over, this is a best product. Third guys, I have the Ward Sun Glow. अब सबसे पहला सवाल यही है कि ये क्या यूवी या यूवीबी की लाइट से फाइट करता है? जी हाँ, ये भी आपके प्रोटेक्ट करेगा स्किन को यूवी या यूवीबी की रेस से। बेनिफिट्स की बात करूँ तो हेल्प मेंटेन स्किन मॉइस्चर, हेल्प्स प्रिवेंट प्रीमेच्योर स्किन एजिंग एंड टैनिंग, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फॉर्मुलेशन, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल यूवीए यूवीबी रेस, पैराबेन फ्री फॉर्मुलेशन। स्टारपैक्स आपको थोड़ी सी वाइटनिंग प्रोवाइड करता है लेकिन रिवाज का सनब्लॉक आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाइटनिंग प्रोवाइड भी करेगा। अब जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स है ना, उनके लिए सनस्क्रीन बेस्ट है क्योंकि उन्हें लाइट से वाइटनिंग भी चाहिए होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे कहते हैं भाई हमने थोड़ा सा मेकअप भी करना है, तो उनके लिए ये एकदम बेस्ट है। वो ये वाला सनब्लॉक जो है वो बाय कर सकते हैं जो लाइट से वाइटनिंग भी देगा और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। फोर्थ गाइस, आई हैव सईद घनी सनब्लॉक। सईद घनी का सनब्लॉक जिसमें SPF 60 है, एंड SPF 60 इज एन एक्सीलेंट चॉइस। नॉन शाइनी, नॉन स्टिकी मॉइस्चर फार्मूला और ये ऑयल फ्री सनब्लॉक है और इसमें विटामिन सी भी है। इसके अलावा अल्ट्रा लाइट क्लीन फील एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है और बाकी दिखाए गए सनब्लॉक से ज्यादा मजेदार है क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। और एक और मजे के बाद बताऊं कि ये यूवी या यूवीबी लाइट से जो है वो आपको एडवांस प्रोटेक्शन देता है। 5 सन डैमेज प्रॉब्लम है हमारी, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स,
स्किन डार्कनेस, अनइवन स्किन टोन, इन सबसे प्रोटेक्ट रहेगा। अब आप देख सकते हो जहाँ मैंने सनब्लॉक अप्लाई किया है वो मेरी रियल स्किन से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, यानी हमें इसने एक्स्ट्रा फेयरनेस प्रोवाइड की है। मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है ये सईद घने का सनब्लॉक, क्योंकि ये ऑयल फ्री भी है, मॉइस्चराइजर भी है और साथ ही जो है वो एक्स्ट्रा फेयरनेस भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। मुझे तो ये सबके सब सनब्लॉक ही बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, अकॉर्डिंग टू माई लुक मैं इसको जो है वो अप्लाई करती हूँ। क्योंकि कैसे लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तमाम तर प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो तमाम तर सनब्लॉक्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, चेकआउट कर लेना, जो बाय करना है वो बाय कर सकते हो। इसके साथ ही मुझे याद है, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।